मेरे कन्ने में सामान देख रहे होंगे और मेरा भाई भी यहाँ पे एक काम कर रहा है परवीन टकवाल। तो अब हम निकल चुके हैं अंदर गांव, पठल गांव में ट्रेनिंग होगी। क्यों भाई? हाँ, अब हम उधर के लिए रास्ते के लिए, अब हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं मशरूम सेंटर जहाँ पे की मशरूम की ट्रेनिंग होगी। यहाँ पे पहले से ही लोग आ गए हैं। अब मशरूम के बारे में जो ट्रेनिंग देने वाला है वो सिखाएंगे आपको हम। नहीं, यहाँ पे सफाई चल रही है। आइए आइए, आपका स्वागत है। बड़ा साफ सुथरा है। हाँ, तो अभी आगे मिलते हम। अच्छा, तो सबसे पहले आप सभी लोगों को नमस्कार और बाकी खैर आप सभी लोग हमसे परिचित चाहिए ना, दूरों भी पहचान जाए अभी तक हम तक, पर आप वही पहचान रहे ना। जो बड़े कदे वाला कार्ड है ना, तो बड़े वही पहचान रहे क्या है ठीक है, और बाकी अपन सभी लोग पहचान लीजिए ना। अच्छा, तो आप सभी लोग आज जो यो हमारे आप लोग दिखने लगे अच्छी की प्रशिक्षण कार्यक्रम चलो, तो आप थोड़ा ये मत विलंब यो है कि अभी मैडम लोग तब कोड़ बार बैठे गए ना, वो बस भी छुट गया हो, मत बस बस बड़े बस रहो ना, लेकिन मैडम लोग खुद आप लोग जन हो कि सिकट्टी बटे गए ना, तब सिकट्टी बटे कोड़ बार रहने कोड़ बार फिर बस छुट गया है, तब ये थोड़ा होते हुए है ना, थोड़ा लेट हो गया है। चलो हमारे टाइम फिर भी 11 बजे बात की थी जा सकता ना कि 11 बजे बात कार्यक्रम तो ठीक है ना। अब 10 बजे करें परवाह, 10 बजे परवाह करें ना, क्योंकि वहां पर हमारे 20 लिया थी, जैसे कि कुछ लोग आ जा रहे कुछ परवाह भी आ रहे, तो मतलब दुए दिन से लिया उन्नी मशरूम अगर केंचुआ भी छे, तो हमारे केंचुआ लिया छे, तो एक बेड आज वहां एक बेड आज बढ़ाना, वही केंचुआ भी डल देना, घास फूस डल देना, क्या हिसाब से डल देना, क्या जगह फूलना, एक आज बढ़ा तो एक बोल बढ़ा ठीक है ना। तो मैडम पहले तो थोड़ा जो भी ये चीज है इनकी थ्योरी और जो इनका इनसे होने वाले लाभ थोड़ा बहुत है। सम्मानित अध्यक्ष महोदय, मेरे यहाँ पे जो श्रेष्ठ जन बैठे हैं जयाल जी और सभी को पहला मेरा नमस्कार। मैं माधुरी डबराल कोटद्वार से हूँ और मेरा जो काम है वो है जैसे जयाल जी ने भी बताया केंचुआ पालन, और केंचुओं को कैसे पाल के उससे कैसे खाद बनाई जाती है वो मैं पिछले 20 वर्षों से हम इसमें काम कर रहे हैं। कोटद्वार क्षेत्र में हल्दू खाता एक जगह पड़ती है, जानते भी होंगे आप लोग, तो वहां पे ही हमारा ये काम है। और जब मैंने अपना एमएससी किया तो उस समय मैंने देखा कि बहुत सारी चीजों पे जैसे ये कूड़े कचरे के ढेर लगे रहते थे सड़कों में, कहीं पे देखा होगा आपने, तो उन दिनों सबसे बड़ी जो बात होती थी कि ये कूड़ा जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कूड़ा जो है उसको निस्तारण कैसे करें। तो उसमें हमने देखा कि जैसे आपके हमारे जो घरों में निकलता है जैसे आपका कांच निकल गया, टिन निकल गया, पेपर, तो इन सारी चीजों से ना कोई दिक्कत नहीं होती, आप इसको कागज को कागज की फैक्ट्री में चला जाता है, कांच जो है वो कांच की फैक्ट्री में, टिन जो है लोहा जो है सब कबाड़ी वाले ले जाते हैं। दिक्कत कब आती है, जब हमारे घरों का जो गीला कचरा होता है ना वो उसमें मिल जाता है, तब उसमें बदबू आनी शुरू हो जाती है, जब वो बदबू आनी शुरू होती है तब हम उसमें हाथ लगाने में डर थोड़ा सा मतलब हमें घिन आती है कि यार बदबू आ रही है छोड़ो इसमें हाथ नहीं लगाओ, तभी अगर सूखा सूखा पड़ा हुआ है तो छांटने में कोई दिक्कत है ही नहीं। तो ज्यादा जो कीड़े की समस्या है वो आती है जैविक कूड़े की वजह से जो सड़ता और गलता है। तो हमारा ये था कि मुझे लगा कि ये जो जैविक कूड़ा है जब इसमें इतनी दिक्कत आ रही तो हम इसको कैसे क्या उसका समाधान निकल सकता है। तो फिर उस समय एक नया आया कि वर्मी कम्पोस्टिंग हो सकती है। वर्मी कम्पोस्टिंग क्या हुआ, तो पता चला एक केंचुआ है वो उसको खाके खाद बना देता है जिससे कि वो सफाई हो जाती है जो जैविक कूड़ा है, जो भी सड़ने गड़ने वाला हमारे यहाँ किचन में निकलता है सब्जी के छिलके, हमारी जो खरपतवार है खेतों से निकलती है, यहाँ तक कि गत्ते कागज सब उसमें जितना भी सड़ गल सकता है वो वाला सारा का सारा कूड़ा केंचुआ खाके जब सड़ने लगेगा तो वो उसकी खाद बना देता है। तो ये बहुत ही अच्छा मुझे लगा, तो मैंने कहा चलो इसी पे काम शुरू करा जाए, ये एक बहुत अच्छी सी चीज लगी। तो फिर तब से मतलब मैं 20 साल हो गए हैं कि इसी काम को करते हैं हम लोग, केंचुए पालन का और केंचुए से जैविक खाद कैसे बनाते हैं। तो अब मैं जैसे वर्मी कम्पोस्टिंग आपने सबने सुना होगा कि वर्मी कम्पोस्ट है वर्मी कम्पोस्ट है, तो वर्मी कम्पोस्ट का थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। वर्मी कम्पोस्ट क्या, वर्मी और कम्पोस्ट जो है एक इंग्लिश का शब्द है, अंग्रेजी का वर्मी कम्पोस्ट, इसको हम जैविक मतलब केंचुआ खाद भी बोलते हैं हिंदी में, हम उसको केंचुआ खाद हो गया। तो क्योंकि चलन में वर्मी कम्पोस्ट आ गया तो सब लोग वर्मी कम्पोस्ट, तो वर्मी का क्या था, वर्मी जो नाम था वो इंग्लिश में वर्म एक होता है, वर्म हम बोलते हैं कीड़ों को, जितने भी कीड़े होते हैं उनको वर्म बोलते हैं, तो वहीं से हमारा एक वर्ड आ गया वर्मी बोल दिया। अब कम्पोस्ट का मतलब हम होता है खाद, जो भी हम खाद
की तरह अपनी फसलों के लिए हम अलग से इस्तेमाल करते हैं, उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, उसकी उर्वरकता बढ़ाने के लिए, उसको हम खाद बोल दिया। तो हमने बोल दिया जो कीड़ों की जो खाद हो गई, तो वर्मी कंपोस्ट हो गया। अब कंपोस्ट बोलने का मतलब ये था कि जो वो वर्म्स होते हैं, तो वर्म का मतलब इसमें था अर्थवर्म से, अर्थवर्म का मतलब हो गया जो केंचुए हम बोलते हैं। तो केंचुआ जो अर्थवर्म है, उसकी जब वो खाके कोई भी चीज खाता है और उसको फिर अपने मल के रूप में निकालता है, गंदगी के रूप में जो निकालता है, उसको हम बोलते हैं कास्ट। इंग्लिश में उसके लिए वर्ड है कास्ट। अब वो कास्ट का मतलब था कि जो वो केंचुआ खाके जब अपना मल निकालता है, तो उसमें कुछ ये हुआ, कुछ वैज्ञानिकों ने उसमें रिसर्च करी, उसमें पता चला कि उसमें तो बहुत अच्छे गुणवत्ता वाले पदार्थ है, वो खाद के तरीके से यूज हो सकता है, वो हमारे खेतों में हमारी फसलों को बहुत अच्छा जैविक खाद के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं। तो फिर उस कास्ट को हमने कह दिया कि वर्म की कंपोस्ट हो गई, क्योंकि हमने उसको कंपोस्ट की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया अपने खेतों में, अपने बगीचों में, अपने पौधों में, गमलों में, जहां पे भी इस खाद की आवश्यकता थी वहां पे हमने उसको खाद की तरह से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो वहां से एक टर्म, वहां से ये बन गया वर्मी कंपोस्ट, की मतलब जो केंचुए की खाद है। तो यहां से ये मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रही थी। तो केंचुए की खाद, अब है कि केंचुए की खाद आप कैसे बनाते हैं, जैसे आप लोगों ने अभी कहा कि पेट है, पेट के हमें पेट भी बनने चाहिए, तो उसमें हमारे पास जो सबसे पहले जो चीजें, अगर आप कोई भी अपने घर में करना चाहें, तो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि आपको बहुत पैसे की जरूरत है। सबसे पहली बात है, मतलब अगर आपके पास, मेरे हिसाब से तो अगर आपके पास 2-4 हजार भी पड़े हुए हैं, तो आप उसमें अपना एक छोटा सा अपने इस्तेमाल के लिए शुरू कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात इसकी है कि आप जितना छोटे से शुरू करें, आप चाहें तो इसको बड़े स्तर तक ले जा सकते हैं। समय अवश्य लगेगा, छोटे से बड़े तक ले जाने में समय अवश्य लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा या आपको लाख रुपए ही चाहिए तब आप इस काम को शुरू कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब ये एक ऐसा काम है कि आप 2-4 हजार में, 1-2 हजार रुपए में भी आप इस काम को शुरू कर सकते हैं। कोई मतलब महिलाओं के लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैं खुद महिला होने के नाते मैं इस काम को 20 साल से करती हूँ, तो कभी कोई दिक्कत नहीं आई। और थोड़ा सा बल्कि अगर मैं बताऊं तो सम्मान भी मिलता है कि यार महिला होने के नाते कर रही है, तो बहुत एक अलग सा सम्मान भी मिला है, तो बहुत अच्छा है। ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं है इस काम को करने में। ये ना सोचे कि हम पे पैसे नहीं है या बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसको इस जमीन पे भी कर सकते हैं, आप जो बाहर जमीन दिखती है आप उसमें भी कर सकते हैं, आप जैसा बना रहे थे ना कि पिट, आप उस पिट में भी कर सकते हैं। पिट में तभी करें जब आपके पास कहीं से, ठीक है आपके पास पैसा है तो आप उसको एक स्ट्रक्चर दे रहे हैं, नहीं तो काम चलाने के लिए तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। और जो बड़े बड़े लेवल में कर रहे हैं, वो इतने पिट थोड़ी बनाते हैं कि आपको 15-20-30 लाख के पिट ही बना देंगे, तो फिर कमाई का है, वो जमीन में ही करते हैं जो बड़े बड़े फार्मर है। हम लोगों का भी आप देखोगे, हमारे 2 फार्म है, एक तो ज्वेल जी ने देखा है जिसमें हमारे पिट बने हुए हैं, उसमें हमने 50 पिट बनाए हुए हैं, और दूसरा हमारा वो 4 एकड़ में है, तो जो 4 एकड़ में उसमें कोई पिट नहीं बनी हुई, उसमें हम ऐसे ही करते हैं जमीन में। तो ये बात पहले छोड़ दीजिए कि उसमें पैसा बहुत ज्यादा चाहिए, ऐसा कुछ नहीं चाहिए आपको पैसा, वो थोड़े से आप शुरू कर सकते हो। कम से कम अपने किचन में जो हमारे जो साग सब्जी बोते हैं हम, उसमें तो खाद पड़े जैविक, वो तो हम जैविक खाएं, कम से कम वो तो केमिकल ना खाएं जो खुद के खाने के लिए। जब हम खुद से शुरू करेंगे तभी हम दूसरे की सोच पाएंगे। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले इसमें क्या क्या चीजें चाहिए होती है। एक तो आपके जो भी सड़ने गलने वाला भी आप इसको करना है, अब आपको छोटे स्तर पे करना है। इसमें होता है कि बेड कितनी बनानी है आपको, तो एक बेड के हिसाब से, 2 बेड के हिसाब से, अगर आपकी इतनी भी जमीन है जितने ये कमरा है, तो इसमें 3 बेड आराम से बन जाएंगे, ठीक है ना। तो आप ये देख लो, इतनी भी अगर है तो आपकी 3 बेड होती है। तो हम शुरुआत तो करें एक, अब हम पहले ही सोच के चलेंगे कि हमारा क्या होगा, कितना बड़ा होगा, तो वहाँ से नहीं, आप छोटे छोटे से शुरू करो, आप 3 बेड से शुरू करो, 5 बेड से शुरू करो। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, एक तो जो भी सड़ने गलने वाला कूड़ा आपके घरों में होता है, सब्जी के छिलके वगैरह निकलते हैं, बल्कि गाँव में तो शायद गाय वाय के पास चला जाता है, तो इतना वेस्ट बचता भी नहीं है। शहरों में बहुत ज़्यादा समस्या होती है इस वाले कचड़े की, जो किचन में निकलता है रोज, सब्जी के छिलके, फलों के छिलके। दूसरा होता है कि जितनी भी खरपतवार आपकी बच गई है जो खेतों में काम करते हुए। तीसरा होता है कि जो भी गाय वगैरह नहीं खा रही है, तो वो लॉपिंग वगैरह करके उन पेड़ों को, उन फसलों को या उन पौधों को, वो भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। जितना भी सड़ गल सकता है, मतलब जो सड़ना सड़ना है, सड़ने का मतलब जो पानी और नमी के होने पर जिसने सड़ना है, एक तो वो कचड़ा चाहिए होता है। दूसरा, पानी की सुविधा वहाँ पे होनी चाहिए कि आप पानी छिड़क सको, क्योंकि केंचुए जो होता है वो नमी में रहता है, उनको बहुत ज्यादा पानी तो नहीं चाहिए कि लबालब भर गया, लेकिन नमी जरूर चाहिए, हल्का नमी होनी चाहिए। और तीसरा आपके जो जरूरी है वो है केंचुए। तो ये 3 चीजों के अगर आपके पास है, तो आप इस काम को छोटे स्तर से भी शुरू कर सकते हैं। किस चीज के लिए? जो आप केंचुए की बात कर रहे हैं,
केचू के लिए मॉइस्चर चाहिए होता है। नहीं नहीं नहीं, अब मैं बताती हूँ वो सब चीजें मैं आपको बताऊंगी। हाँ मैं बताती हूँ आपको ना, तो उसमें क्या होता है कि ये तीन चीजें आपको चाहिए होती हैं। अब जैसे आपने, मैं बताती हूँ अब इसमें क्या है कि बनाने के लिए इसकी एक विधि है। तो ये जो काम शुरू हुआ था वर्मी कल्चर का, ये शुरू हुआ था सबसे पहले यूरोप की तरफ से, हमारे जो पश्चिमी देश हैं यूरोप, वहाँ से शुरू हुआ। तो वर्मी कल्चर का मतलब था कि केंचुए को पालना, और वर्मी कंपोस्टिंग का मतलब हुआ केंचुए की खाद। तो इसलिए दोनों, कहीं वर्मी कल्चर बोलते हैं इसे, कहीं वर्मी कंपोस्टिंग बोलते हैं। तो वो मैं, कल्चर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कल्चर करना, उसको पालना अपनी अपनी इन कंडीशंस में, ये जो हमारी पर्यावरण की, जो हमारे यहाँ पे क्लाइमेट है इसमें हम इसको कल्चर करें, तो इसका मतलब होता है उसको कल्चर करना, उसको पालना, उसको बढ़ाना, ताकि वो इस वाले मौसम में वो यहाँ पे बढ़ जाए। तो वर्मी जो वर्म्स है अर्थवर्म के लिए, तो उसका मतलब केंचुओं को पालना, और केंचुए पालन के बाद जो उसकी खाद निकलेगी वो वर्मी कंपोस्ट हुई। तो ये दो चीज़ें होगा, एक वर्मी कल्चर एक वर्मी कंपोस्ट। अब बात आती है कि हमको कैसे उसमें चाहिए। तो जो ये काम शुरू हुआ था, ये हुआ था पश्चिमी देशों से, ज़्यादातर यूरोप से शुरू हुआ है। यूरोप में उन्होंने एक देखा कि एक जो केंचुआ है वो जो भी सड़ा गला पड़ा हुआ उसको खा रहा है, और वो जो कुछ भुरभुरा सा जो निकाल रहा है तो वो खाद की तरह उन्होंने इस्तेमाल किया। पता चला ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, ये तो ब्लैक गोल्ड बोला गया उसको, काला सोना, क्योंकि वो इतना ज़्यादा उपजाऊ थी वो वाली जो खाद थी। तो अब बात आई कि वहाँ यूरोप में क्या होता है कि वहाँ पे है ठंडा, ज़्यादातर टाइम बर्फ पड़ी रहती है, बहुत ठंडा है। तो बहुत ठंडे की वजह से आप देखा होगा, जब आप ठंडी होती है तो हम एक ऊंचाई कुछ ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो वहाँ पे जो बेड बनाते थे वो एक एक मीटर की बनाते थे, तीन तीन फीट की। तो उसमें क्या हुआ था, उसका कारण ये था कि वो यूरोप से शुरू हुआ, वहाँ पे होती थी ठंड। तो जो केंचुए होते हैं वो सबसे ज़्यादा, जो वैसे तो वो माइनस में भी काम कर लेता है और 40-45-48 डिग्री तक भी काम कर लेता है, लेकिन एक आदमी की होती है ना कि वो सबसे अच्छा काम किस टेम्परेचर पे करेगा, करना तो अलग चीज़ है, हम भी पसीना भी हो रहा होगा तो हम भी काम करते ही हैं, ठंड भी हो रही होगी तो चार शॉल ओढ़ के हम भी काम करते हैं। लेकिन एक मौसम है कि भाई मार्च अप्रैल वाला बड़ा अच्छा मौसम होता है, ना गर्म ना ठंडा, हम उसमें बहुत अच्छा काम करते हैं। तो ऐसी केंचुओं का भी है, केंचुए जो 25-35 डिग्री वाला जो टेम्परेचर है उसमें सबसे अच्छा काम करते हैं। अब वो रहने को तो उसके ऊपर भी करते ही करते हैं, आदमी ने खाना तो है ही ना, केंचुए का मतलब उसने खाना और निकालना है जो उसका मल है, तो वो तो खाएगा जिंदा रहने के लिए, तो 45 डिग्री में भी खाता है और नीचे ठंडे में भी खाता है। तो यूरोप में शुरू हुआ तो तब वहाँ पे था कि एक एक मीटर की उन्होंने बेड बना ली, जो आप बता रहे थे बेड, तो बेड उन्होंने एक एक मीटर ऊंची बना ली, चार चार तीन तीन चार चार फीट उन्होंने चौड़ी कर दी। अब उनका कारण एक था कि उन्होंने उसको वैज्ञानिक तरीके से था कि जितनी ऊंचाई होगी उतना उसमें ज़्यादा सामान पड़ेगा, जितना ज़्यादा सामान पड़ेगा जब वो डिकम्पोज होता है, डिकम्पोज का मतलब जब वो टूटते हैं, आपने देखा होगा जब वो छोटे छोटे, मतलब ये केमिस्ट्री का है कि उसमें छोटे छोटे, मान लीजिए एक पौधा है, जब वो पौधा बढ़ता है तो मिट्टी से क्या लेता है, वो कार्बन भी लेता है, आयरन भी लेता है, नाइट्रोजन भी लेता है, इस तरह के बहुत सारे वो लेता है ना, उसके बाद वो एक पौधा बनकर आता है। तो पौधे में ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज में वैसे देखा जाए तो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, लेकिन मिलके वो ग्लूकोज हो गया। तो जब वो टूटता है, टूटने का मतलब है कि कार्बन अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, वो सब अलग अलग हो जाएंगे, जिन जिन चीज़ों से वो मिलके बना हुआ है। हमने खिचड़ी बनाई तो दाल भी ले ली, थोड़ा तेल डाला, फिर जीरा डाला, फिर चावल डाले, दाल मिला के वो खिचड़ी बन गई। लेकिन अगर हम देखें तो उसमें चावल अलग था, उसमें दाल अलग थी, उसमें तेल अलग था, जीरा तड़का जो भी है, टमाटर अलग थे, ये सारी चीज़ें थी। तो ऐसी मिट्टी में भी हैं अलग 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 चीज़ें हैं जो एक पौधे को चाहिए होती हैं। तो वो जब सारी चीज़ें मिलके अपने में पौधा एक बनाता है तो वो सारी मिल जाती हैं। तो डिकम्पोज का मतलब है जो छोटे छोटे हमारे कीटाणु होते हैं वो इनको तोड़ते हैं, तो नाइट्रोजन को अलग कर देंगे, मतलब जैसे दाल अलग कर दी, चावल फिर अलग कर दिया, टमाटर फिर अलग कर दिया, अब फिर जिसको ज़रूरत होगी वो वैसे। तो हमें वो बाहर से देना होता था। हमने क्या करा कि जब हमारा प्रोडक्शन कम था पहले, तो ग्रीन रेवोल्यूशन एक आया कि हरित क्रांति का दौर आया, बहुत सारे केमिकल यूज़ होने लगे क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अन्न उगाना था। उस ज़्यादा से ज़्यादा अन्न उगाने की होड़ में हमने यूरिया और डीएपी इतना डाल दिया अपने खेतों में कि अब वो हमारे स्वास्थ्य के लिए ही बहुत दिक्कत कर रहा है। पंजाब हरियाणा में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ, सबसे ज़्यादा कैंसर के केस उधर ही आ रहे हैं। मिट्टी की उर्वरकता बिल्कुल ख़त्म हो गई है, इतनी ख़त्म हो गई है कि अब वो कुछ खा रहे हैं तो उसमें क्वालिटी कुछ नहीं है, मतलब वो दिख जरूर रहा है गेहूँ पर, है कुछ नहीं, तो वो खा के कुछ नहीं, वो सारी की सारी चीज़ें वो है। तो चलो इसमें मैं बाद में आती हूँ, मैं बता दूँ। तो वो उन्होंने एक एक मीटर के यूरोप में उन्होंने वो गड्ढे बना दिया। वो ही सेम हमारी भारतीयों की आदत है कि जो बाहर देखा वो उठा के यहाँ ले आए, जब उसे यहाँ ले आए तो यहाँ भी उन्होंने एक एक मीटर के गड्ढे बनाने शुरू कर दिए।
अब जब एक एक मीटर के गड्ढे बनाए तो यहाँ तो वैसी थी 35-40 डिग्री टेम्परेचर, कोटद्वार जैसी जगह में तो आदमी वैसे ही नहीं खड़ा रह पाता है गर्मियों, वो इतना ज़्यादा टेम्परेचर होने लगा कि अर्थवर्म वहाँ अंदर काम ही नहीं कर पा रहे थे, वो ख़त्म होने लगे। तो क्योंकि हमने वहाँ की विधि तो चुरा ली, लेकिन ये तो देखा ही नहीं कि हमारे यहाँ वो लागू होती भी है या नहीं। तो इसलिए जो है वो एक मीटर के, आप कह रहे थे ना कि एक एक मीटर के गड्ढे जो बनाए जुआल जी बात कर रहे थे, तो वो इसलिए फेल हुए क्योंकि वो यूरोप का था, वहाँ पे ठंडा होता है बहुत ज़्यादा, जहाँ ठंडा होगा वहाँ चल जाएगा बहुत ठंडा, लेकिन जहाँ गर्मी है वहाँ दिक्कत करते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब दूसरी बात आई कि खाद की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो वो मैं जैसा आपको बता रही थी कि हरित क्रांति के दौर में जब बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ है, तो वो अलग अलग मानदंड है किसी के, लेकिन जो उसका स्टैंडर्ड साइज़ है वो मैं बात करूँगी, उसमें हम रखते हैं 3 फीट उसकी चौड़ाई होती है और लगभग 10 लंबाई का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि आप कितनी रखें, आपकी कितनी ज़मीन है, आप कितने में सहूलियत से काम कर पा रहे हैं, आप उस हिसाब से रख सकते हैं। और हम लोग जो अपने यहाँ रखते हैं वो 10 से 12 फीट रखते हैं लंबाई इसकी, और जो ऊंचाई हम रखते हैं वो रखते हैं उस फीट की 1.5 फीट, जो 1.5 फीट है, 1.5 फीट से अब सर्दियों तक तो 1.5 से 2 फीट चल जाता है, लेकिन गर्मियों में आप 1.5 से नीचे ही रखेंगे क्योंकि जितना ऊंचा होगा उतनी अंदर गर्मी होती है, तो जितनी ज़्यादा गर्मी होगी केंचुओं को उतनी दिक्कत होती है काम करने में, क्योंकि मैंने बताया केंचुआ जो सबसे अच्छा काम करता है वो करता है 25 डिग्री से 35 डिग्री के बीच, तो वो आप डिग्री तो नहीं देख सकते हम लोग, लेकिन हाँ क्योंकि हर किसी के घर में तो टेम्परेचर होगा नहीं, लेकिन हम ये कि 1.5 फीट से उसे नीचे रखें और उसे पलटते रहें ताकि गर्मी ना हो। तो सर्दियों में आप 2 फीट तक ले जा सकते हैं, और वैसे हमने तो परमानेंट अपने यहाँ 1.5 फीट ही रखी हुई है, वो सर्दियों गर्मियों हम 1.5 फीट ही भरते हैं उसे, गर्मियों में बल्कि 1.5 फीट से थोड़ा सा नीचे ही रखते हैं 4-5 इंच, और सर्दियों में हम उसे पूरा 1.5 फीट भर देते हैं। तो इस तरह से आप लंबाई आप 10 से 12 फीट लगभग रखिए, चौड़ाई जो पिट की होगी वो 3 फीट होगी, और गहराई जो है वो लगभग 1.5 फीट, 1.5 फीट से ऊंचाई मत ऊंचा मत करिएगा। अब आप चाहे इसको पिट में बनाएं, क्योंकि पिट में क्या है अलग से आपका 8-10 हज़ार का एक खर्चा भी आ जाएगा उसे बनाने का, तो जो इच्छुक लोग हैं वो जरूरी नहीं है कि उसे पिट में बनाएं, आप उसको जमीन के ऊपर भी कर सकते हैं, जो हम यहाँ पे प्रैक्टिकल बताएंगे वो जमीन के ऊपर ही बताएंगे। अब बात आती है कि कई लोग ये कहते हैं कि मैडम अगर हम जमीन के ऊपर करेंगे तो केंचुए भाग नहीं जाएंगे, ऐसा प्रश्न आता है हमारे पास कि केंचुए भाग नहीं जाएंगे भाई जब जमीन में करेंगे, वो तो यहाँ वहाँ भाग जाएंगे। तो मैं आपको बताऊंगी कि इसमें नहीं भागते हैं, क्यों नहीं भागते हैं उसका एक कारण है, हमारा जो पूरा संसार है इसमें 4000 से ज़्यादा जो प्रजातियाँ केंचुओं की, वो 4000 से लेकर 10000 तक की प्रजातियाँ हैं, शायद कुछ ऐसी हैं जो हमें पता भी नहीं होंगी अभी, तो अभी चल रही है उसमें ना, तो जो हमारी अभी तक हैं वो 4000 किस्म से ज़्यादा की हैं यहाँ पे, जो हमारे केंचुए जो आपको लगता होंगे ना सब एक से हैं, अलग अलग तरह के केंचुए होते हैं। तो वो जो अलग अलग तरह के केंचुए होते हैं उसमें मुख्यतः जो है वो कैसे खाते हैं कैसे रहते हैं उनके हिसाब से हमने उनको 3 तरह से बाँटा हुआ है, हमने क्या मतलब वैज्ञानिकों ने उनको 3 तरह से बाँटा हुआ है। एक केंचुए वो होते हैं जो ज़मीन में सिर्फ ऊपर ऊपर रहते हैं 5 सेंटीमीटर की परत में, ऊपर ऊपर ही मिलेंगे वो आपको, जहाँ पे आपका ये फसलों का पत्ते वत्ते झड़ते हैं ना, तो ऑर्गेनिक वेस्ट हो गया जीवांश हो गया, जैसे वो जैविक पदार्थ नीचे गिरा पानी के संपर्क में और मिट्टी के संपर्क में आया तो वो सड़ जाता है। जब वो सड़ने लगता है तो कुछ केंचुए ऐसे होते हैं जो सिर्फ उन्हें खाते हैं, थोड़ा सा मिट्टी थोड़ा बहुत अगर चली गई तो चली गई, नहीं तो ज़्यादातर जो है 99% वो ऑर्गेनिक मैटर ही खाते हैं, जैविक ही खाते हैं वो, ठीक है। दूसरी तरह के केंचुए ऐसे होते हैं जो 10 से 15 सेंटीमीटर तक आपके मिल जाते हैं, जब आप खोदो खेतों में थोड़ा नीचे मिलते हैं, वो आपका जैविक और मिट्टी वो दोनों ही खा लेते हैं, वो मिट्टी का ज़्यादा होता है उसमें मिट्टी का पोर्शन और जैविक कम होता है। तीसरी तरह के केंचुए आपके होते हैं जो बिल्कुल 1-1.5 मीटर नीचे तक मिलते हैं बिल्कुल गहरे में, और वो सिर्फ मिट्टी खाते हैं, जो नीचे होते हैं एकदम वहाँ मिट्टी मिट्टी होती हो तो सिर्फ मिट्टी खाते हैं। आपने देखा होगा बरसात के टाइम पर अचानक से केंचुए ऊपर आ जाते हैं, है ना। तो कई लोगों ने हमें ये भी बोला कि तो केंचुए तो ऐसे ही मिलते हैं तो खरीदने की क्या जरूरत थी तुम्हें, हमारे यहाँ तो बहुत रहते हैं। तो उसी के लिए मैं बता रही हूँ कि जो सबसे नीचे होते हैं 1-1.5 मीटर नीचे गहराई में जो केंचुए होते हैं वो मिट्टी खाने वाले होते हैं। जब बरसात में क्या होता है कि थोड़ी बहुत जैसे सर्दियों की बारिश होती है तो थोड़ा बहुत होती है नीचे तक, ज़्यादा नहीं जाती, लेकिन जब बरसात होती है तो वो नीचे तक पानी भर जाता है, जब जमीन पूरी नीचे तक गीली होती है, जब उनके जो होल्स होते हैं जो छेद जिनमें वो रह रहे होते हैं वहाँ पानी भर जाता है, तो वो ऊपर आता है अपने को बचाने के लिए, वो आपकी खाद वो किस लिए नहीं आते, वो सिर्फ अपने को बचाने ऊपर आते हैं जमीन में ताकि हम कहीं सूखी तरफ को भागे, पानी से दूर भागते हैं। अब देखो कैसा है कि पानी तो उन्हें चाहिए लेकिन वो पानी से ही दूर भी भाग रहे हैं, तो इसके हाँ तो इसके दो हैं, क्योंकि जो केंचुआ होता है उसकी जो बाहर की परत होती है झील जो बाहर होती है ना उसमें थोड़ा सा आपने देखा होगा चमकता वाली सलीसा सा पदार्थ होता है, वो उसको सांस में मदद करता है और वो अपनी स्किन से मतलब अपनी त्वचा से सांस लेता है,
जो केंचुआ होता है वो अपनी परत से सांस लेता है, जो स्किन होती है बाहर, उसका कोई ऐसे हमारी तरह फेफड़े नहीं है, वो अपनी परत से जो स्किन है उसकी वहां से सांस लेता है वहां पे, तो उस सांस लेने के उसमें जो वो ऑक्सीजन है ना, जो उसकी बाहर लिसलिसा सा पदार्थ होता है उसमें डिफ्यूज होकर उसके शरीर के अंदर जाती है। अगर वो लिसलिसा पदार्थ सूख गया वो मर जाएगा। जो लिसलिसा होता है ना उसके बाहर, जब वो चलता है तो देखा होगा आपने पानी की सी एक लकीर बनी होती है, थोड़ी दूर तक दिखती है, तो अगर वो पानी सूख गया तो केंचुआ मर जाएगा। हाँ, तो जब ज़्यादा पानी हो जाता है तो क्या होता है, वो सांस लेने में उसको दिक्कत आती है पानी के अंदर जब रहता है, तो इसलिए वो अपने आप को बरसात के टाइम पे पानी से दूर भागता है। आपने देखा होगा सूखे की तरफ जाता है वो, पानी से उठ उठ के सूखे की तरफ। तो इसको नमी तो चाहिए होती है, लेकिन पूरा लबालब पानी नहीं चाहिए, एक नॉर्मल तक पानी चाहिए। तो इसलिए वो जो केंचुए होता है ना मिट्टी वाले, वो सिर्फ आपको बरसात में दिखेंगे, उसके बाद नहीं दिखते, फिर वो अंदर चले जाते हैं, जैसे ही पानी खत्म हुआ अंदर वो अंदर चले गए। तो अब मैं बताती हूँ वर्मी कंपोस्टिंग जो है, तो वर्मी कंपोस्टिंग में जो केंचुए इस्तेमाल होते हैं वो वाले होते हैं जो ऊपर के 5-7 सेंटीमीटर में मिलते हैं आपको, जो जैविक पदार्थ खाते हैं, आपको बात समझ आ गई। तो उनको जब तक जैविक पदार्थ वहाँ पे मिलता रहेगा, उनको नमी मिलती रहेगी, वो कहीं नहीं जाने वाले। हाँ, अगर उनको पदार्थ जैविक, उनका खाना खत्म हो गया जो उन्होंने खाना है, और दूसरा अगर उनकी नमी खत्म हो गई, जो नमी होती है अगर वो खत्म हो गई तो वो भाग जाएंगे फिर, क्योंकि जीवन तो सबको प्यारा है, तो वो बचाने के लिए अपने को इधर उधर मिट्टी में घुस जाएगा, तब वो मिट्टी में घुसता है नीचे, थोड़ा सा हल्की परत के नीचे, फिर भी बहुत नीचे नहीं जाएगा क्योंकि उसका स्वभाव ही नहीं है बहुत नीचे जाने का, लेकिन तब वो वहां से भागेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपकी बेड है उसमें एक तो प्रॉपर आप नमी बनाए रखें, और दूसरा है कि उसमें खाना पूरा हो। यहाँ पे आपको ऐसा दिखना चाहिए कि हाँ पानी यहाँ पे तक आ गया, अगर वो पानी टपक रहा नीचे तो ज्यादा है नमी, अगर वो पानी टपक गया ना धार जैसा बन गया टप 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 टपकने लगा तो समझो पानी ज्यादा है, और अगर वो सिर्फ यहाँ पे दिख रहा है तो समझो बिल्कुल नमी बराबर है, और अगर बिल्कुल ही नहीं आया एकदम बिखर गया वो गोला ही नहीं बन पा रहा है तो फिर कम है नमी। तो ये एक नॉर्मल है कि हम कैसे अपने घर में उस पिट में नमी को देखें, क्योंकि नमी का बहुत बड़ा रोल है, नमी कम हो जाती है तो कई लोग वो केंचुए भाग जाएंगे, फिर उनको नमी और खाना पूरा होना चाहिए। तो एक हम अब जो हम ये ज़मीन में जब भी जो बेड बनाएंगे उसके 3 फीट ही लगभग, आप 3 फीट से चौड़े में क्या होता है ना, फिर अंदर एक तो गर्मी होती है, दूसरा काम करने में दिक्कत आती है, ऊंचा जब आप बनाएंगे तो भी काम करने में दिक्कत आएगी, और साथ में गर्मी भी होती है। आपने बरसात में कभी कभी ऐसा होता है कि बाहर बारिश पड़ रही होती है और बेड के अंदर आप हाथ नहीं डाल सकते, इतनी गर्मी होती है। आपने देखा होगा ना जब गोबर निकलता है आपका, तो 10-15 दिन बाद आप ढेर हटाओ तो भाप उड़ रही होती है, तो वो भाप जो है ना वो ही दिक्कत करती है। वो भाप का मतलब होता है कि हमारा जो गोबर है जो हम कहते हैं, अब जो इसमें गोबर जी होता है वो कम से कम आपका 20 से 25 दिन पुराना जी होता है, नया गोबर नहीं डालोगे आप एकदम से, जो गोबर चाहिए होगा वो कम से कम 20 से 25 दिन पुराना है। और अगर आप उसको जल्दी इस्तेमाल करना है, मान लो आपको उसे 10 ही दिन में इस्तेमाल करना है, तो आपको उसको पलटते हुए भिगाते रहना पड़ेगा, पानी से भिगाओ फिर पलट दो, फिर भिगाओ फिर पलट दो, पलटा भिगाया पलटा भिगाया, तो उससे क्या होगा उसकी गर्मी जल्दी चली जाएगी, क्योंकि गर्मी वो जो गर्मी होती है वो केंचुए को बहुत दिक्कत कर दिया, केंचुए के उसमें घुसेगा ही नहीं, केंचुआ उसमें जाएगा ही नहीं, और जले आगे तो फिर मरने के चांस रहते हैं। हाँ, वो क्या होता है कि हम जैसे कहते हैं ना जब सड़ती है कोई चीज़ तो उसमें माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं बहुत छोटे छोटे जो हमें दिखते नहीं है सूक्ष्म जीव, वो उसमें काम कर रहे होते हैं, तो जब वो काम करते हैं तो जब हम भी कोई काम कर रहे होते हैं हमें भी पसीना आता है, तो जब वो उसमें काम कर रहे होते हैं ना कोई भी माइक्रोब कोई भी कुछ, तो उनको भी पसीना आता है, तो पसीना मतलब हीट जनरेट होती है, तो वही अंदर गर्म करती है, तो वही कारण होता है कि बरसात में बाहर बारिश हो रही है ठंडा हो रहा है और बेड के अंदर बहुत गर्म होता है, तो इसलिए हमें उस गर्मी से बचाना है अपनी बेड को, तो इसलिए हम 20 से 25 दिन पुराना गोबर उसमें इस्तेमाल करते हैं। अब रही कूड़े की बात, जो हमारा कूड़ा आता है तो उसके 2 तरीके हैं, या तो आप उसको पहले पानी और ऐसे बाहर ढेर लगा के पानी डालते रहो पलटते रहो तो वो सड़ जाएगा 10-15 दिन में आधा आधा, नहीं तो फिर आप उसको बेड में इस्तेमाल करोगे पानी डालते रहोगे तो। लेकिन केंचुए का क्या है, केंचुआ जो खाता है आधा सड़ा हुआ खाता है, ना तो वो एकदम ताज़ा खाता है ना जो बिल्कुल सड़ गया उसे खाता है, तब जब गोबर की बिल्कुल खाद बन गई तब उसके वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि वो खाता है जब वो आधा आधा सड़ जाता है, कोई भी पत्ता हो जब वो आधा सड़ने लगेगा या कोई भी गोबर है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि 20 से 25 दिन पुराना गोबर हो कम से कम, तब वो इस्तेमाल में लाया जा सकता है। तो क्योंकि केंचुआ जो है वो अपने आप में आधा सड़ा खाता है, बस ये इसका मूल मंत्र है, केंचुए ने आधा सड़ा खाना है, अब आप उसको आधा सड़ा कुछ भी दो वो उसको खा लेगा,
तो इस तरह से फिर हम उसकी बेड बनाते हैं घास फूस की। एक पहले या तो आप उसे पहले अलग से सड़ा दो, नहीं सड़ाए तो फिर आप बेड में रख के उसको दो चार दिन पानी डाल के ऐसा हो कि वो इसमें सड़ जाए, केंचुआ उसमें तभी घुसेगा। ठीक है, अब जब आपने उसको बेड बना दी तो हम इसमें क्या करते हैं, दो तरीके हैं, या तो आप गोबर में पहले ही कूड़ा मिला दो अच्छे से, या फिर आप एक परत पहले कूड़े की बिछाओ घास वगैरह पत्तियां, दूसरी फिर गोबर की, फिर घास पत्ती, फिर गोबर, ऐसे करके आप एक के बाद एक या तो ऐसे बनाओ या फिर आप पहले ही गोबर में पत्तियां मिला दो। जो डेयरी का गोबर आता है जिसमें घास पत्तियां कम मिली होती हैं, अगर आप उसका बेड बनाओ, और अगर हमारे घरों का जो गोबर होता है ना जिसमें भूसा घास पुराल सब मिला होता है उसको बनाओ, तो आप देखोगे इसको केंचुए ज्यादा जल्दी खाते हैं जिसमें घास पत्तियां मिली हुई हैं। बता सकते हो आप ऐसा क्यों है, क्यों होता होगा ऐसा? मैं बताती हूँ आपको, वो इसलिए होता है कि आप कहीं पे गोबर ही गोबर रखो, ठीक है, एक ढेरा गोबर गोबर बनाओ, उसमें पानी डालो दो तीन दिन, वो कैसा हो जाता है, टाइट हो जाता है, सख्त हो जाता है, तो हवा तो जा ही नहीं रही ना उसमें, तो जब उसमें हवा का वो नहीं होगा, हवा का मतलब प्रॉपर सर्कुलेशन या हवा नहीं जाएगी तो उसमें कैसे जाएगा केंचुए, कैसे जाएगा फिर, है ना, तो इसलिए वो देर में बनता है। उसको फिर जब माइक्रोबी डिकम्पोज करेंगे तब जाके उसका टाइम पीरियड बढ़ जाता है। जिसमें घास पत्ती मिली हुई है, जिसमें भूसा पुराल मिली हुई है, उसमें क्या है, उसमें गोबर टाइट नहीं हो रहा, उसमें आप पानी डाल रहे हैं तो एरिएशन है, हवा है उसके अंदर, जो गैप बने होंगे ना कहीं पे लकड़ी है, कहीं पे पत्थर है, कहीं पे पत्ता है, तो गोबर चिपक नहीं रहा, तो जब चिपकेगा नहीं तो हवा आती जाती रहेगी, जब हवा आती जाती रहेगी तो उसके अंदर पूरी हवा रहेगी, पानी आप डाल ही रहे तो केंचुआ उसमें आसानी से घुस जाता है, तो इसमें जल्दी केंचुए बनेंगे, ये खाद जल्दी बनती है, वो देर में बनती है, इसलिए हम कहते हैं इसमें पत्तियां मिलाओ, बाकी पत्तियों का कोई बड़ा रोल नहीं है इसमें। खाद तो गोबर की भी बन जाएगी, गोबर गोबर की, लेकिन जितनी ज्यादा पत्तियां होंगी ना उतना जगह होगा, छेद छूटेंगे कुछ बारीक से कुछ बड़े से, तो हवा में उस गैप में हवा जाएगी, जब हवा जाएगी तो प्रॉपर उसमें सड़ता भी रहेगा वो, और केंचुआ उसमें घुस भी जाएगा, तो ये कारण होता है इसमें पानी का और जो पत्तियां मिलाने का। एक दूसरी चीज अब है कि जैसा आपने इसमें एक खाद की लेयर बनाई, वो पत्ते बनाए, फिर गोबर, फिर पत्ते, फिर आपने दो तीन दिन पानी डाला, अब चाहे इसको पलट दें फावड़े ज्ञाती से ना, इसको पलट भी सकते हैं, जब इसे पलटेंगे फिर आपने देखा दो तीन दिन बाद 20 से 25 दिन पुराना तो गोबर था ही, फिर आप इसमें केंचुए डाल देंगे। अब आपने इसमें केंचुए डाल दिए, ऊपर से इसको ढक देना है, कल हम यहाँ पे बताएंगे भी प्रैक्टिकली, शायद आज भी होगा, हाँ, फिर हम इसको ढक देंगे। अब ढकने के लिए आप या तो पुराली यूज कर लो, जो घरों में पुराली होती है, या ऐसे कुछ भी घास पत्तियां पड़ी हुई हैं वो कर लो, कुछ भी मतलब ढकने के लिए, कोई घास पत्ती नहीं है तो वो जो चीनी और चावल वाले बोरे नहीं आते जूट के, उनके उनसे भी ढक सकते हैं, प्लास्टिक से नहीं ढकेंगे बिल्कुल भी, प्लास्टिक जैसा कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, और पुराली भी आप बहुत ज़्यादा बेड में नहीं मिलाएंगे, कम पसंद करता है केंचुआ, लेकिन ढकने के काम वो बहुत अच्छे से आती है ऊपर से ढकने के लिए। अब बात आती है कि उसे ढकना क्यों है, तो ढकने के कारण इसलिए हैं क्योंकि जो केंचुआ होता है वो अंधेरे में रहना पसंद करता है, उजालों से पसंद नहीं है, सूरज की रोशनी से वो दूर भागता है, कहीं पे भी आप देखोगे फट से बाहर निकलेगा वो अंदर घुस जाएगा, तो वो उसको हम अगर आप देखेंगे ना तो कितने प्रजाति के केंचुए होते हैं, तो उनके नाम भी इसी हिसाब से हैं। तो ढकने के दो तीन कारण हैं, एक कारण तो पहला ये है कि उसको सूरज की रोशनी या रोशनी पसंद नहीं है, उसे अंधेरे में जाना है तो फट से नीचे चला जाएगा अगर आपने उसे ढका रहेगा तो। दूसरा कारण है कि कुछ चिड़िया ऐसी होती हैं जो इसको चुग लेते हैं, इनको खा लेते हैं केंचुए, तो उससे बचाने के लिए भी इसे ढकना पड़ता है। तीसरी बात ये होती है कि जब आप इसमें पानी डालेंगे और ऊपर से कुछ नहीं ढका रहेगा तो नमी जल्दी उड़ जाएगी, तो कम से कम ढकने से उसमें एक दो दिन, अगर आपने दो चार दिन पानी नहीं डाला फिर भी उसमें नमी मेंटेन रहती है, नमी रहेगी ढकने से, पानी जल्दी उड़ेगा नहीं, तो इसलिए भी इसको ढका जाता है। तो इसको ढकने के बाद फिर हम इसमें केंचुए डाल देते हैं। तो अब केंचुए की कौन सी प्रजातियां, जैसे अभी आप पूछ रहे थे ना केंचुए की प्रजातियां, तो उसमें मैंने आपको बताया कि तीन तरह के केंचुए होते हैं, जो एक तो बिल्कुल मिट्टी खाते हैं, एक मिट्टी और जैविक दोनों खाते हैं, और एक होता है जो ज़्यादातर 99% जैविक खाते हैं, वो मिट्टी तभी खाएंगे जब मरने वाली नौबत आती है, तो थोड़ा सा पोर्शन मिट्टी का, तो वो वाले केंचुए जो हैं उनको हमने साइंटिफिक में उनको हम कहते हैं तो सरफेस फीडर, एपीजीक, एंडोजीक और एनेसिक होते हैं। खैर उससे तो आपको कोई ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन एक वो है आप ये है जो जैविक खाते हैं, तो जो जैविक खाने वाले केंचुए होते हैं वही हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो आजकल दो तीन तरह की प्रजातियां इसमें आ रही हैं जो ज़्यादातर आती हैं, आपने सुना ही होंगे ना, आप आइसिनिया फिटीडा एक बोलते हैं, रेड वर्म है ना, उसका नाम भी है यूरोपियन नाइट क्राउलर। नाइट क्राउलर का मतलब जो रात में चलता है,
दूसरा है एक आता है यूड्रिलस, उसको हम कहते हैं अफ्रीका नाइट क्राउलर, दूसरी प्रजाति है। अब रात में ही ज्यादा ये जो होते हैं ये रात में ही ज्यादा काम करते हैं, तो इसलिए इनको ढक के रखना होता है। तो और तीसरी एक है पेरियोनिक्स, कोई पेरियोनिक्स करके, तो ये दो तीन, वो थोड़ा सा इंग्लिश नाम है इनके, लेकिन है ये तीन, दो तीन तरह की प्रजातियां हैं। इनमें जो आइसिनिया है वो यूरोप का है, तो यूरोप वाला जो प्रजाति है वो ठंडियों में बहुत अच्छा काम करती है, मतलब ठंडियों में उसके बराबर कोई दूसरा काम ही नहीं करता। एक केचुआ जो है वो अपने वजन के या तो बराबर खाता है या थोड़ा सा उसके आधा, मतलब खाता है लगभग, या तो बराबर ही खाएगा जितना या थोड़ा सा कम, वो है ठीक है। दूसरा एक केचुआ जो है वो 4 से 5 अंडे, मतलब वो लगभग 56 दिन के बाद से, 35 से 56 दिन, कोई 35 दिन बाद कोई 56 दिन बाद वो अंडे देने लायक हो जाते हैं। जब वो अंडे देते हैं तो एक अंडे से कम 4 या 5 केचुए निकलते हैं, मैंने खुद निकाले हुए हैं, 4 या 5 तो निकलते ही हैं। आइसिनिया के तो 5, 5, 6, 6, 9 भी निकले हुए हैं, लेकिन 4-5 तो है, कम से कम 4 तो निकलने ही निकलने हुए। और एक केचुआ अपने पूरे एक, मतलब एक साइकिल में, जैसे वो हर हफ्ते में आप लगा लो 5-7 कोकून तो वो देता ही देता है, तो आप लगा लो कितना नंबर बढ़ गया आपके पास केंचुओं का। एक केंचुए ने इतने कोकून दिए हैं, 5 भी लगा लो अगर आप एक हफ्ते में 5, और 5 अंडों से कम 4 तो निकलने ही है, तो एक केंचुआ कितने में बढ़ गया आपका, 20, कम से कम 20। तो आप लगाओ कि इस हिसाब से केंचुआ बढ़ता भी है, तो आपको सिर्फ एक बार केंचुआ खरीद के लाना है। अब जो बड़े लेवल पे काम करते हैं वो ये होता है, अब वर्मी कंपोस्टिंग जो है उसमें आपका और मेरा कोई रोल नहीं है, हमने क्या करना है केंचुआ डाल देना है, उसको खाना दे देना है और उसमें नमी का ध्यान रखना है, बाकी कंपोस्टिंग तो उस केंचुए ने करनी है ना, खाना तो केंचुए ने है, तो हमारा और आपका उसमें कोई रोल नहीं होता, हम सिर्फ उसमें उनको पूरी, मतलब उनकी फेवरेबल जो उनकी कंडीशन है हम उनको वो दे सकते हैं, सुविधाएं दे सकते हैं, काम उन्होंने ही करना है। तो अब कई लोग कहते हैं कि 5 किलो या 10 किलो कितना पड़ेगा एक बेड में, तो हम कहते हैं कि एक छोटी बेड में, जो मैंने आपको साइज बताया 3x12x, हम उसमें 10 किलो बोलते हैं कि एक बेड में आप 10 किलो डालो। तो लेकिन किसी का बजट होता है भाई कि 10 किलो वो नहीं डाल पा रहा है, केंचुआ 300 से 500 रुपए तक मिलता है, कोई मिक्स करके देते हैं कोई प्योर देते हैं, तो 300 से 500 किलो रुपए तक इनका अलग अलग स्पीशीज के हिसाब से रेट होता है, 2-3 तरह की, जैसे हमारे पास 3 तरह की हैं, तीनों तरह की हैं, तो एक ऊपर खाती है, एक थोड़ा बीच में रहती है, एक ठंडियों में अच्छा काम करती है, गर्मियों में अच्छा, जैसे अफ्रीका वाली है वो अफ्रीका क्योंकि गर्म जगह की है तो वो गर्मियों में बहुत अच्छा तरह काम करती है, जो आइसिनिया है वो यूरोप की है तो वो सर्दियों में बहुत अच्छा काम करती है, तो हमने दोनों डाली हुई हैं। अब वो क्या होता है, गर्मियों में एक अच्छा करती रहती है, सर्दियों में दूसरा अच्छा करती रहती है, तो पूरे साल भर हमारी कंपोस्टिंग उस हिसाब से चलती है। अब बात आती है, कई लोग कहते हैं कि मैडम 10 ही किलो क्यों डालना है, हमारा इतना बजट नहीं, तो कोई नहीं आप 5 किलो डालो। बात क्या होगी कि कंपोस्टिंग तो केचुओं ने ही करनी है, इसका सीधा सा फॉर्मूला है कि आप जितना ज्यादा डालोगे वो उतने ज्यादा खाएंगे, जितने आप कम डालोगे उतने धीरे बनेगी, बाकी हमारा कोई इसमें रोल है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि हमने तो खाना नहीं है ना, हमने बनाना केचुए ने, तो इसका सीधा सा होता है कि आप, इसीलिए मैंने कहा कि आप छोटे लेवल पे भी शुरू कर सकते हैं अगर आपको टाइम ज्यादा है, लेकिन जो बड़े स्केल पे करते हैं, जिनको बिल्कुल, जिनको इसको अपना बड़ा बिजनेस की तरह करना है, तो वो तो 50 बेड डाल देते हैं और सीधे 500 किलो केचुए डाल दिए, बजट है, बात है बजट की, उनके पास उन्होंने डाल दिया, गोबर लाए, घास पत्तियां लाए, केचुए लाए। अगर आपके पास उतना बजट नहीं है तो आप छोटे 2 बेड से शुरू करो, 5 किलो ना डाल के आप 3 किलो डालो, आप 2 किलो डालो, जितनी आपकी, आपके जितने आप कर सकते हैं आप उस हिसाब से डालो, क्योंकि लेकिन क्या होगा कि साल भर बाद तो वो बढ़ेंगे ही, 6 महीने बाद तो उन्होंने बढ़ना ही, धीरे धीरे बढ़ेंगे, ज़्यादा केंचुए जल्दी बढ़ेंगे, कम केंचुए धीरे बढ़ेंगे, ठीक है, पता चल रहा ज़्यादा। अब जो ये पूरे जो मैंने आपको साइज बताया कि यह 3 फिट बाई 12 फिट बाई 1.5 फिट का, इसमें अगर आप 10 किलो केंचुए डालते हैं तो ये 2.5 से 3 महीने, लगभग पहली बार में 2.5 से 3 महीने के बीच आपकी खाद बनती है पूरी, ठीक है। और अगर आप इसमें कम करते हैं तो जैसे दूसरी बार से, तो दूसरी बार से 2 से 2.5 महीने के बीच आपकी बननी शुरू होगी। गर्मियों में थोड़ा टाइम लगता है, अक्टूबर से लेकर और मार्च अप्रैल तक का जो टाइम होता है सबसे अच्छा होता है वर्मी कंपोस्टिंग के लिए, ये वाला जो टाइम है ना ये बहुत अच्छा है, इस समय अंडे भी बहुत सारे होते हैं, गर्मियों में बरसात में अंडे नहीं देते केचुए, देते हैं मगर बहुत कम, इस समय उनके बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मैंने बताया ना कि एक ऐसा टाइम आता है जिस समय वो बहुत अच्छा काम करते हैं, ये वाला टेम्परेचर अब उनके लिए बहुत अच्छा आ रहा है अक्टूबर से वाला, अक्टूबर से और मार्च या अप्रैल तक का, यहाँ तो शायद अप्रैल मई तक भी ठीक ही रहता होगा मौसम, हाँ, तो मतलब वो वाला अप्रैल मई तक का, उस समय बरसात में थोड़ी दिक्कत होती है, लोग कहते हैं बरसात में अच्छा होता है, लेकिन बरसात सबसे ज्यादा दिक्कत करता है केचुओं को, बरसात में सबसे कम कंपोस्टिंग होती है, वो पानी ज्यादा हो जाता है अंदर, माइक सड़ता ज्यादा है चीजें, तो जितनी ज्यादा सड़ती है उतनी गर्मी बढ़ती है, जितनी गर्मी बढ़ेगी उतना केचुओं को दिक्कत होती है काम करने में, तो वो मैंने उसके लिए 10 किलो केचुआ हम
बताते हैं, बाकी जिसकी जैसी अपनी गुंजाइश है वो उस हिसाब से उसमें 2 किलो 5 किलो 10 किलो तक डाल सकता है। एक बेड की बात कर रही हूँ, अब 2 से 2.5 महीने में ये तैयार हो जाती है आपकी खाद। इसके बीच में आपको अब कैसे निकालते हैं खाद वो भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसा मान लिया आपने ये ढक दिया आपने इसको, अब आप इसमें देखते रहोगे कि भाई सूख तो नहीं रही है बेड, तो कहीं पे दूसरे दिन कहीं पे तीसरे दिन, गर्मियों में जैसे हर दूसरे दिन जरूरत पड़ जाती है थोड़ा थोड़ा पानी छिड़कने की, सर्दियों में हफ्ते तक भी नहीं पड़ती है ना, तो बरसात में तो आजकल हम डालते ही नहीं क्योंकि ऊपर से बरस रहा होता है, खुले में हो रहा है। क्योंकि आप इसको खुले में भी कर सकते हैं, ऐसे शेड के नीचे भी कर सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आपके पास कितना बजट है, आप किस हिसाब से अपना काम करना चाह रहे हो। मैं आपको वो तकनीक बता रही हूँ जिसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। तो आप इसको अगर बाहर कर रहे हैं खुले में ढका हुआ है, तो गर्मियों में देखते रहना आप इसको, गर्मियों में ज़्यादा ढकना पड़ता है ऊपर से क्योंकि धूप ज़्यादा तेज होती है, तो केंचुए खुद को बचाते हैं वो थोड़ा हवा के, सुबह सुबह आप जाके देखोगे तो केंचुए ऊपर होते हैं 5-6 बजे में, धीरे धीरे जैसे जैसे रोशनी होती है फिर वो नीचे चले जाते हैं, ढक लेते हैं अपने आप को। ये है दूसरा, नमी इसमें बराबर रहनी चाहिए, वो आपको मैंने बता दिया कैसे आपको देखनी है नमी। शुरू में तो आपको ऐसे ही दिख जाएगा गीला है सूखा है, जब कंपोस्ट बनने लगेगी तो आपको इस मेथड से पता चल जाएगा, मुट्ठी वाले मेथड से। तीसरी चीज़ आपकी है कि जब ये 2 से 2.5 महीने में बनेगा, केंचुए सबसे जबरी आती है, जो ये खाद है ये ऊपर से बनती भी है, जैसे पहले ऊपर की परत बनेगी 2-4 इंच की ऊपर की परत में खाद बनेगी, वो आपको अलग ही दिख जाएगा, भुरभुरा सा, मतलब चाय पत्ती के दानेदार जैसा कि यार ये खाद बन गई, आपको देखने से ही पता लग जाएगा इसमें खाद बननी शुरू हो गई। तो आप इसको 2 तरीके से निकाल सकते हैं, या तो आप पूरी परत हटा दो ऊपर की, जहाँ जहाँ तक खाद बनी है उसको साफ कर दो किसी हल्के झाड़ू से या फिर हाथ से आप निकाल दो अलग, वो आपकी अलग हो गई। फिर आपने इसको पलट दिया गैती किसी से, पंजी से या गैती से, फिर उसमें पानी डाल दिया, उसे ढक दिया और पानी डाल दिया, ढकने के बाद ही पानी डालना है, नहीं तो वो गोबर में पानी जाके नीचे कॉम्पैक्ट कर देता है, ऊपर से पड़ेगा तो एक साथ पड़ता है। तो ढकने के बाद आपने इसमें पानी डाल दिया, फिर आप देखोगे 20 दिन बाद फिर एक परत आपकी तैयार हो जाएगी, फिर आप दूसरी परत हटा लो, फिर तीसरी, ऐसा ऐसा करके आपकी 3-4-5 परतों में आपकी खाद बनती रहेगी। तो आप उसको 20 दिन बाद से आप निकालना शुरू कर दो, 20-25 दिन बाद से, जो लास्ट का बचेगा लास्ट के 2-4 इंच, फिर आप देखोगे सारे केंचुए उसमें आ गए हैं, तो आप वो उठा के आप नई बेड में डाल दो, दूसरी बेड भी तो बनानी है फिर आपको, तो उसको उठा के आपने दूसरी बेड में डाल दिया। एक तो तरीका ये है निकालने का। दूसरा तरीका है जैसे हम अपने यहाँ करते हैं, हम पूरी खाद बनाते हैं, पूरी बेड ही हटाते हैं फिर, क्योंकि हमारे यहाँ परमानेंट है तो हम धीरे धीरे नहीं करते। तो हमने देखा कि 20-25 दिन में उसमें ऊपर की लेयर में खाद बन गई, फिर हम उसे खंगाल देते हैं, पूरी पलट देते हैं पूरी बेड को, फिर पानी डाला, फिर 20-25 दिन में फिर देखा, फिर पलट दिया, तो जैसे ही देखा तो 3-4 बार पलट के उसमें पूरी खाद बन जाती है लगभग 2.5 महीने में, 2 से 2.5 महीने में। अब बात आती है कि केंचुए हटाने कैसे हैं, जो इसमें केंचुए बने हुए हैं तो डालना है कोई नए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए एक बेड आपने 3 फीट की ये बना दी, बीच में 4 फीट की जगह छोड़ दो आप, फिर आप 3 फीट में दूसरी बेड बना लो, फिर 4 फीट की जगह छोड़ दो, एक तरीका। अब क्या करोगे, जब आपने देखा कि इनमें आधा से ज़्यादा इसमें खाद बन गई है, तो आप फिर बीच में नई नई बेड बनाना शुरू कर दोगे, जो 4 फीट की जगह छोड़ी है ना बीच में, उसमें नई बेड बनाना, उसमें घास फूस डालना शुरू कर दो, उसमें गोबर डालना शुरू कर दो, फिर बगल वाली में। तो इससे क्या होगा, दोनों तरफ के जब खाना ख़त्म हो जाएगा, खाद बनने का मतलब उनमें अब केंचों के खाने के लिए कुछ रह नहीं गया, तो समझो खाद बन गई, सारा खा के निकाल दिया उन्होंने, तो फिर वो नए खाने की तरफ, उसमें पानी डालना बंद कर दो आप 10 दिन पहले से। आपने देखा बन गई, आप 10 दिन आप पानी नहीं डालोगे, जो बीच में आपने नई बेड तैयार करी आप उसी में पानी डालो, उसी में नया भोजन है। केंचुए भोजन और नमी की खोज में फिर इस तरफ आएंगे, वो इधर आ जाएंगे, फिर आप वो नई बेड में आ जाएंगे दोनों तरफ से, तो उसमें लगभग 50-60% तक इसमें केंचुए हट जाते हैं इस वाली ढेर में से, क्योंकि वो सब नए खाने की तरफ जाते हैं, कुछ छोटे रह जाते हैं। फिर आप क्या करोगे, अभी थोड़े बहुत इसमें केंचुए होते हैं तो उसके लिए आप कुछ कुछ जगह में कच्चा गोबर भी डाल सकते हो ढेर के ऊपर, जो बनी हुई खाद है ना आपकी, उसके ऊपर आपने 2-4 जगह में अगर कच्चे 2-4 तसले गोबर डाल दिया, नया कच्चा गोबर जो 20-25 दिन पुराना, और सिर्फ उसी उसको भिगाना है, तो फिर खाद में से भी केंचुए उसमें आप देखोगे हफ्ते भर में उसमें केंचुए आ जाता है, फिर आपने वो तसले उठाए और नई खाद में डाल दिए। अब अगर अब भी इसमें कुछ केंचुए बच जाते हैं तो फिर हम इसको छानते हैं, जैसे रेत नहीं छानते
ऐसा छन्ना लगा के, हाँ जाली लगा के, तो आप उस तरह से उसको छान लो, फिर केचुए नीचे आ जाते हैं और खाद आपकी साफ हो जाती है। फिर आप इसको 10 दिन ऐसे सुखाओ, चाहे आप इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसमें कोई छोटा बहुत अगर फिर भी कोई केचुआ या अंडा रह जाता है तो वो आपके खेत में ही तो जाएगा, खेत में जाके वो वहाँ कुछ नुकसान नहीं करेगा, उसकी उर्वरकता ही बढ़ाएगा, क्योंकि हमारे खेतों में तो वैसे भी केंचे होंगे। अगर यहाँ केमिकल इस्तेमाल नहीं होता तो इन खेतों में खूब केंचे होंगे। जहाँ के केमिकल इस्तेमाल होता है ना, वहाँ दिक्कत आती है, वहाँ केंचुए कम हो गए हैं। तो इस तरह से आपका जैसे अब ये खाद ही आपकी छन गई, अब छनने के बाद आप इसको अपने इस्तेमाल के लिए करें, चाहे आप पैकिंग करें, आप पैकिंग भी कर सकते हैं इसकी छोटी मोटी, जैसे 1 किलो 2 किलो 5 किलो 10 किलो। अगर आपको ये काम सिर्फ अपने लिए करना है तब तो इसमें कोई टैक्स नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इसको बेचना चाहते हैं, बेचने में भी अगर दो तरीके से बिकती है खाद, एक तो होता है कि आपने कट्टे भरे, कोई आपका ब्रांड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो आपने इसको सीधा बेच दिया आराम से। ये मतलब अगर आप टन्स में दे रहे हैं कुंड, तो 6-7 रुपये किलो तो यूँ ही चला जाता है, 8-10 रुपये किलो ये खुले में चली जाती है, मतलब ठीक ठाक सा। अगर आपको चाहिए कि भाई आप थोड़ा पैकिंग करें, थोड़ा आपको बड़ा काम करना है, तो फिर आप इसमें GST रजिस्ट्रेशन कराएंगे, और इसमें 5% टैक्स है, वो ब्रांडिंग का टैक्स है। खाद पे तो कोई टैक्स नहीं है, लेकिन जो आप उसकी पैकिंग करेंगे, जो आप उसमें नाम देंगे पैकिंग, हाँ, फिर आप उसको टेस्ट में लैब में, किसी लैब में आप उसे टेस्ट कराने भेजोगे, तब उसमें पता चलेगा कि नाइट्रोजन इतना परसेंट है, कैल्शियम इतना परसेंट है, फिर वो आपको उसमें एक प्रिंट भी कराना पड़ता है, तब आप इसमें 5% टैक्स पड़ता है। अगर आप इसको बिना पैकिंग के बेच रहे हैं फिर कोई टैक्स नहीं है, फिर कोई भी ले ले आपसे, फ्री है ये। लेकिन हाँ, अगर आप इसको पैकिंग के साथ कट्टे प्रिंट करके वैसे पैकिंग में बेच रहे हैं बड़े लेवल में, तब GST भी पड़ता है इसमें 5%, ब्रांडिंग का है वो भी, कंपोस्टिंग का नहीं है। तो बाकी केचुए भी इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, उसमें कोई GST नहीं है, आप उसको सेल कर सकते हो। अब जब आपने इस काम को शुरू करा तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपके केचुए, तो आप इसके 1 से 2 बेड 2 से 4 बेड 4 से 6 बेड आप धीरे धीरे ऐसा लगा सकते हो, और केचुए इसमें बढ़ते रहेंगे। बात होती है समय की, कि जिसको इसको बिजनेस के टाइम पे करना है तो फिर वो इतना इंतजार थोड़ी करेगा कि साल भर बाद वो 30 बेड लगाए, वो क्या करते हो 50 बेड से शुरू कर देते हैं, जो बड़े जिसपे इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है। नहीं तो आप अपने लेवल के लिए तो आप 2-3 बेड में भी आपके इस्तेमाल धीरे धीरे है ना, तो आपका भाई एक अच्छा। दूसरी बात यह है कि जब ये खाद बनती है तो जितना आपने मटेरियल इसमें डाला होता है, आपके लगभग जो है ये 25 से 30% तक आपकी खाद बनकर आती है। मान लो आपने 100 कुंटल में केचुए डाले और 100 कुंटल की आपने खाद बनाई है, तो आपके पास सॉरी 1 कुंटल अगर आपने 100 किलो डाला है तो आपके पास 25 से 30 किलो बनकर आएगा। ये इसकी वो है, मतलब गुणवत्ता तो बढ़ जाती है लेकिन जो इसकी क्वांटिटी है वो कम हो जाती है। तो एक 25 से 30% ही आपके पास बन के आता है, ये आप मान के चलो। जो हमने से 10 कुंटल सामान आता है, मतलब गोबर पत्तियाँ सब मिला मिला के, और जब वो बन के निकलता है तो वो आपका निकलेगा ये जो 8 से 10 कुंटल का, आपके पास लगभग 3.5-3.75 कुंटल से ज़्यादा नहीं आता, 3 कुंटल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप मान के चलो, इतना बन के आता है। 8 से 10 रुपये किलो इसका आराम से मिल जाता है, मतलब अगर आप 1 किलो 2 किलो में दे रहे हैं। जब देखो जब कोई बड़ा ले जाएगा 10 टन 20 टन 100 कुंटल 200 कुंटल, तो फिर तो आप रेट कम ही लगाओगे, लेकिन आराम से 10 मेरा जाता है 10 रुपये किलो, और पैकिंग में 15-20 रुपये किलो आराम से चला जाता है।